एपिसोड ऑफ रियालिटीज। आज संडे 13 मार्च 2022, आज रविवार 13 मार्च 2020। आज रैप्सोडी ऑफ रियालिटीज में पास्टर क्रिस ओयाकिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 1 चैप्टर 12 वर्स 13 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12-13 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12-13 वचन। इस वचन के आधार से आज जो हमें टॉपिक मिला है, विषय मिला है, द अफर्मेशन ऑफ हिज लॉर्डशिप, उसके प्रभुता का निश्चय, द अफर्मेशन ऑफ हिज लॉर्डशिप, उसके प्रभुता का निश्चय, हम इसे वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाकिलोम हमको सिखाते हैं, बट एज मैनी एज रिसीव्ड हिम टू देम गेव ही पावर टू बिकम द सन्स ऑफ गॉड इवन टू देम दैट बिलीव ऑन हिज नेम विच वेयर बॉर्न नॉट ऑफ ब्लड नॉर ऑफ द विल ऑफ द फ्लैश नॉर ऑफ द विल ऑफ मैन बट ऑफ गॉड। और एक बार पढ़ेंगे, बट एज मैनी एज रिसीव्ड हिम टू देम गेव ही पावर टू बिकम द सन्स ऑफ गॉड इवन टू देम दैट बिलीव ऑन हिज नेम विच वेयर बॉर्न नॉट ऑफ ब्लड नॉर ऑफ द विल ऑफ द फ्लैश नॉर ऑफ द विल ऑफ मैन बट ऑफ गॉड। इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री 1:12-13 वचन, यूहन्ना की पत्री 1:12-13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12-13 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम पास्टर क्रिस ओयाकिलोम हमको सिखाते हैं इस वचन के आधार से आज का विषय, देयर आर मैनी टुडे हु दो हैव हर्ड अबाउट जीसस एंड बिलीव्ड इन हिम हैव नेवर कॉन्शियसली अफर्म्ड हिज लॉर्डशिप ओवर देयर लाइव्स कंसिक्वेंटली दे आर नॉट सेव्ड। बहुत लोग आज यहाँ मौजूद है ऐसे इस जगत के अंदर कि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना और विश्वास भी किया यीशु मसीह के अंदर, और उन्होंने अपने ध्यान के अंदर अपने समझ के अंदर निश्चित नहीं पकड़ लिया कि यीशु ही उनके ऊपर प्रभुता करने के लिए उनके जीवन के ऊपर प्रभु है। अब नतीजे के रूप में ऐसा हो गया है कि वह बचाए नहीं गए हैं। बिलीविंग इज नॉट इनाफ, द बाइबल सेज इवन द डेवल्स बिलीव एंड ट्रेम्बल। अब विश्वास कर लेना बस इससे ही काम नहीं बन जाता, पवित्र बाइबल बताता है विश्वास तो शैतान भी करता है और वह थरथराता भी है। Thou believest that there is one God, Thou doest well, the devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead. James 2:19-20, याकूब की पत्री उसके 2:19-20 में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसके 2:19-20 में इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे BSI बाइबल में से।
तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 2:19-20 इस प्रकार से लिखा है बीएसआई बाइबल में से, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। देयर इज अ बाइबल वे टू रिसीव सालवेशन, पवित्र बाइबल के तरीका है किस प्रकार से उद्धार को प्राप्त करना चाहिए। रोमन्स 10:9-10 says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. वो तरीका कौन सा है, हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में रोमियो के पत्री उसके 10 को हम पढ़ेंगे 9:10। ये तरीका है पवित्र बाइबल का जो उद्धार ग्रहण करने के लिए हमको दिया गया है। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 10:9-10 कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 10:9-10 हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। That's it. बस इतना ही है। It's the affirmation of the Lordship of Jesus that catapults the sinner into salvation. यह निश्चय किया जाता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है हमारे जीवन के ऊपर। यही एक बात है कि पापियों को उद्धार उसके अंदर से ही मिल जाता है। In your evangelical work, take the time to help those who are yet to understand this and explain it to them. जब आप सुसमाचार का काम करते हैं, वहाँ पर समय लीजिए कि आप उनकी सहायता करें समझने के लिए जो लोग यह उद्धार की बात को अभी तक समझे नहीं हैं, और उद्धार की बात उनको समझाइए, विस्तार करके उसे समझाइए। सैल्वेशन इज फ्री एंड हैज बीन मेड पॉसिबल एंड अवेलेबल टू ऑल मेन बाय जीसस क्राइस्ट, बट इट ओनली बिकम्स अ वाइटल एक्सपीरियंस इन द लाइफ ऑफ दोज हु कन्फेस द लॉर्डशिप ऑफ जीसस ओवर देयर लाइव्स। उद्धार मुफ्त में है और वह आपके लिए संभव भी किया गया है, और आपके लिए वह उपलब्ध भी है सारे मनुष्यों के लिए यीशु मसीह के द्वारा, परंतु वह केवल तभी कुछ शक्तिवर्धक ऐसा आपके लिए अनुभव बन जाएगा जीवन के अंदर, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उसे कबूल करते हैं, उसमें कबूल करते हैं कि यीशु ही उनके जीवन के ऊपर प्रभुता करने के लिए है। इट ब्रिंग्स टू माइंड व्हाट जॉन सेड In John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. अब आपके मन में यह बात आ सकती है जब यूहन्ना ने इसे कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में हम पढ़ेंगे उसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 इस प्रकार से कहता है, रिबांतिका बहसी के बिर रखा सियान दुरार दा नमका से,
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Hallelujah! You received Christ into your heart by the affirmation of faith. आपने मसीह को ग्रहण किया, Hallelujah! आपने मसीह को ग्रहण किया अपने हृदय के अंदर विश्वास को निश्चय बताते हुए। When you made that declaration according to Romans 10 chapter 9, 10 verse, Christ took up his abode in you. You became a new creation, a bona fide son or daughter of God with his life and nature in your spirit. रोमियो के पत्री 10:9-10 के अनुसार अगर आप देखेंगे, जब आप इस प्रकार से आपके विश्वास की दृढ़ता के साथ आप कबूली करते हैं, तब यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर घर कर लेता है, आप नए सृष्टि बन जाते हैं और आप निश्चित कर दिए जाते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया हैं। उसके जीवन और उसका स्वभाव आपके आत्मा में जन्म ले लेता है, उसके साथ आप उसके संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। लेकिन तभी यह संभव होता है जब आप घोषणा करते हैं। रोमियो के पत्री 10:9-10 के अनुसार हम पढ़ेंगे उसे, रोमियो के पत्री 10:9-10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 10:9-10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इस प्रकार से फिर आपके मुंह से बोले गए शब्द जो विश्वास के लिए होते हैं, ये एक कारण बना देते हैं आपके जीवन में कि आपने दृढ़ता के साथ यीशु मसीह को आपके जीवन पर प्रभु कहकर पुकार लिया है। अब यीशु मसीह आपके अंदर आकर घर कर लेता है, आप नया सृष्टि बन जाते हैं और आपको यह प्रमाण में ले लिया जाता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो या आप परमेश्वर के पुत्री हो। उसका जीवन और स्वभाव, उसका जीवन और उसके गुण के साथ आप उसके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं और आपके आत्मा में उसका जीवन और उसका स्वभाव आ जाता है। No wonder he says in 1 John 3:1, Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us that we should be called the sons of God. अब यहाँ पर पहले यूहन्ना की पत्री 3:1 जब हमको पुकारता है कि हम परमेश्वर के संतान हो चुके लोग हैं, तब हमें कोई आश्चर्य लगने वाली बात बाकी नहीं रहती है। हम उसे पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना की पत्री 3, यूहन्ना की पहली पत्री 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना।
और एक बार पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना की पत्री 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे इस जीवन के समय में जो आपने चाहा उस तरह से हमको जन्माया। पिता, हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे। हम आपको धन्यवाद करते हैं अबा फादर गॉड। सच में खुदा परमेश्वर, ये आपकी डायरेक्ट हमको पिता मुलाकात है कि हम तेरे संतान बने और हम तेरे पुत्र या पुत्री कहलाएं। मेरे खुदा परमेश्वर, ये आपने डायरेक्ट हमारे साथ पिता परमेश्वर कॉन्टैक्ट में हमको लिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमको मालूम नहीं था कि आप हमारे परमेश्वर हो, और आपका रिश्ता, आप हमारा परमेश्वर बनना ये रास्ता कौन सा है ये भी हमको मालूम नहीं था। हम पिता परमेश्वर आपको जानते नहीं, और पिता हम आपके विषय किस प्रकार से पिता संबंधित हो जाना ये रास्ता भी हमको मालूम नहीं था। उस समय परमेश्वर पिता आपने लोगों को हमारे तक भेजा, हमें परमेश्वर उन्होंने जो प्रार्थनाएं की तेरे पास उसका तूने आदर किया, और हमें तूने यह आत्मा के अंदर तेरे गुण और तेरे स्वभाव और तेरा जीवन आने का रास्ता बना के दिया। मेरे पिता परमेश्वर, हमने उठ कर खड़े होकर इस बात को अपने मुँह से बोला कि हम अपने पाप माफ़ होने की विनती करते हैं, और हमने जब ऐसे प्रार्थना की और परमेश्वर यीशु मसीह तुझे हम प्रभु कह कर लेते हैं हमारे जीवन में, हमने जब इसे कबूल किया, हम नहीं जानते थे उसके बाद क्या हो रहा है। उसी समय खुदा परमेश्वर ये बदलाव हमारे अंदर आया, हमने तेरे आत्मा से बदलाव को पाना शुरू कर दिया। हमने डुबकी लगाकर पानी में बपतिस्मा लिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, और पिता परमेश्वर हम तेरी संतान और तेरे लोग बनकर पिता तेरे राज्य में आए, और तेरे राज्य की बातों को पवित्र आत्मा ने हमको सिखाते हुए काम करवाते हुए यहाँ तक पहुँचने दिया। पवित्र पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने जो पवित्र बाइबल में लिखा है उसके अनुसार नाश होने वाले लोगों के बीच में से तूने हमको अलग कर लिया। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता हम आत्मा से जन्माए गए हैं, ना मनुष्य के इच्छा से और ना लहू और मांस से। इसके लिए पिता परमेश्वर, हम जो रास्ते चलते हैं उसमें तेरा आत्मा मौजूद है जो हमको सिखाता है और हमें मार्गदर्शन करता है। हम उस सीखे हुए रास्ते को जब चलते हैं तब जगत हमको नहीं जानता है, तब जगत को हम नहीं पिता परमेश्वर समझा सकते हैं कि हम कौन से रास्ते से चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता उनका मन अंधेरे से भरा हुआ है, उनके मन के अंदर तेरा उजियाला नहीं है, तेरे मार्ग के दर्शन नहीं है। इसके लिए खुदा परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि नाश ना होने का रास्ता तूने हमें चलाया और हमें अविनाशी जीवन में प्रवेश कराया। यीशु मसीह के आगमन तक पिता यह सुसमाचार का पिता हम काम करते रहे, और परमेश्वर तेरे राज्य के लिए जो लोग तैयार है, तूने कहा मनों को तैयारी करके रखा है तूने, बस तुमने जाकर सुसमाचार सुनाना है। मेरे पिता, बीज बोने वाला बीज को बिखेरते जाता है, और कौन सा बीज कहाँ गिरता है और कौन सा बीज धीरज के साथ फसल लाता है, ये केवल जमीन के अंदर पड़ा बीज की अवस्था ही उसको उस दशा तक पहुंच जाती है। अबा फादर गॉड, हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के द्वारा जो तेरे उद्धार का काम कर रहे हैं खुदा, प्रार्थनाओं के द्वारा जो तेरे उद्धार का काम फैला रहे हैं, अबा फादर गॉड हम तेरे हाथों में अधीन होते हैं, क्योंकि उसमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर तू है खुदा, जिसके लिए पिता परमेश्वर ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज तू पिता पहुँचाना चाहता है वहाँ तक ये पहुँचे, और पिता उनका जीवन तेरे राज्य में निकाल कर लाया जाए। मेरे खुदा परमेश्वर, अंधेरे के वश में से छुड़ाना केवल तेरे ही पास
वो शक्ति है और तेरी ही इच्छा से वो होता है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं, हम तेरे राज्य के लिए लाभदायी बने, हम इस उन्नति को लेते हैं जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमको मिली, और पिता परमेश्वर इस उन्नति को हम तेरे राज्य के लोगों के बीच में, तेरी सेवकाई में और पिता हमारे इर्द गिर्द पे लाभदायी बनाए, और तेरे राज्य के लिए हम पिता लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर कि हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन।